प्रेसिडेंट न्यूसी आईआईएम अहमदाबाद के एल्यूमनाई है। भारत के लिए गर्व की बात है कि हमारी G20 प्रेसिडेंसी में अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता मिली। प्रेसिडेंट न्यूसी की भारत यात्रा से हमारे संबंधों को तो बल मिला ही है, भारत अफ्रीका के बीच घनिष्ठता और बढ़ी है। साथियों, चेक के प्रधानमंत्री हिज एक्सलेंसी पेत्र फियाला जी की ये पहली भारत यात्रा इस पद पर है। वैसे वो भारत पहले भी आए हैं। चेक लंबे समय से वाइब्रेंट गुजरात समिट से जुड़ा हुआ है। भारत और चेक के बीच टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल्स, मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में सहयोग लगातार बढ़ रहा है। हिज एक्सलेंसी पेत्र फियाला, मुझे विश्वास है आपकी इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। हमारे यहां कहा जाता है अतिथि देवो भव, और प्रधानमंत्री के रूप में आपकी तो ये पहली भारत विजिट है। उम्मीद है आप बहुत शानदार यादें लेकर यहां से जाएंगे। फ्रेंड्स, नोबेल लॉरिएट और तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति हिज एक्सलेंसी रामोस होर्ता का भी मैं भारत में स्वागत करता हूं। हिज एक्सलेंसी रामोस होर्ता का गांधीनगर आंगना और विशेष है। आपने महात्मा गांधी के नॉन वायलेंस के सिद्धांत को अपने देश के स्वातंत्र संग्राम से जोड़ा है। आसियान और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में तिमोर लेस्ते के साथ हमारा सहयोग बहुत अहम है। फ्रेंड्स, कुछ समय पहले ही वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट को 20 वर्ष पूरे हुए हैं। बीते 20 वर्षों में इस समिट ने नए आइडियाज को प्लेटफॉर्म दिया है। इसने इन्वेस्टमेंट्स और रिटर्न्स के लिए नए गेटवे बनाए हैं, और अब वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की इस बार की थीम है गेटवे टू द फ्यूचर। 21वीं सदी की दुनिया का फ्यूचर हमारे साझे प्रयासों से ही उज्जवल बनेगा। भारत ने अपनी G20 प्रेसिडेंसी के दौरान भी ग्लोबल फ्यूचर के लिए एक रोडमैप दिया है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के इस एडिशन में भी इस विजन को और आगे बढ़ा रहे हैं। भारत I2U2 और दूसरे मल्टीलेटर ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप को लगातार मजबूत कर रहा है। वन वर्ल्ड वन फैमिली वन फ्यूचर का सिद्धांत विश्व कल्याण की अनिवार्य आवश्यकता है। फ्रेंड्स, आज तेजी से बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत विश्व मित्र की भूमिका में आगे बढ़ रहा है। आज भारत ने विश्व को यह भरोसा दिया है
कि हम साझा लक्ष्य तय कर सकते हैं, अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। विश्व कल्याण के लिए भारत की प्रतिबद्धता, भारत की निष्ठा, भारत के प्रयास और भारत का परिश्रम आज की दुनिया को ज्यादा सुरक्षित और समृद्ध बना रहा है। द वर्ल्ड लुक्स एट इंडिया एज एन इम्पोर्टेंट पिलर ऑफ स्टेबिलिटी, अ फ्रेंड हु कैन बी ट्रस्टेड, अ पार्टनर हु बिलीव्स इन पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट, ए वॉइस दैट बिलीव्स इन ग्लोबल गुड, अ वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, एन इंजन ऑफ ग्रोथ इन द ग्लोबल इकोनॉमी, अ टेक्नोलॉजी हब फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशंस, ए पावर हाउस ऑफ टैलेंटेड यूथ एंड अ डेमोक्रेसी दैट डिलीवर्स। फ्रेंड्स, भारत के 1.4 बिलियन लोगों की प्रायोरिटीज और एस्पिरेशंस, ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट पर उनकी आस्था, इंक्लूसिविटी और इक्वलिटी का हमारा कमिटमेंट, विश्व समृद्धि और विश्व के विकास का बहुत बड़ा आधार है। आज भारत दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। 10 साल पहले भारत 11th पर था, आज दुनिया की हर प्रमुख रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि भारत अगले कुछ वर्षों में दुनिया की top 3 इकोनॉमी में जाएगा। दुनिया के लोग जो एनालिसिस करना है करते रहे, मेरी गारंटी है हो जाएगा। एक ऐसे समय में जब विश्व अनेक अनिश्चितताओं से घिरा हुआ है, तब भारत दुनिया में विश्व की एक नई किरण बनकर के उभरा है। भारत की प्राथमिकताएं बिल्कुल स्पष्ट है। आज भारत की प्राथमिकता है सस्टेनेबल इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग। आज भारत की प्राथमिकता है न्यू एज स्किल्स, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, एआई एंड इनोवेशन। आज भारत की प्राथमिकता है ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर्स, इसका पूरा इकोसिस्टम, इसकी एक झलक हम वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो में भी देख सकते हैं। और मेरा तो आग्रह है कि ट्रेड शो जरूर देखें, गुजरात के भी स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी जरूर जाएं। कल दिन में मैंने हिज एक्सलेंसी न्यूसी और हिज एक्सलेंसी रामोस होर्ताय जी के साथ इस ट्रेड शो में काफी समय गुजारा है। इस ट्रेड शो में कंपनियों ने वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से बने प्रोडक्ट्स का निदर्शन किया है। ई मोबिलिटी, स्टार्टअप्स, ब्लू इकोनॉमी, ग्रीन एनर्जी और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ट्रेड शो में एक प्रकार से छाए हुए हैं। ये जितने भी सेक्टर्स हैं, इनमें
इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास लगातार नए अवसर बन रहे हैं। साथियों, आप सभी वैश्विक परिस्थितियों से भली भांति परिचित हैं।